It stops. People are screaming. See? Woo! No! Are we going to die? Oh my God! It's stuck. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सबसे ज़्यादा अवेटेड क्रिसमस और विंटर हॉलीडेज़ की ट्रिप, और वो है गुदौरी, जो हमने तिबिलिसी से स्टार्ट की थी। हमने एक्सप्लोर किया जिनवली लेक, अनानोरी फोर्ट्रेस और रशियन जॉर्जिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। हमने गुदौरी में 3 दिन स्पेंड किए हैं और स्नो एक्टिविटीज़ का पूरा मज़ा लिया है गुदौरी स्की रिजॉर्ट में। तो चलो हमारे साथ इस विंटर एडवेंचर का मजा लेते हैं और शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। आज हम लोग अभी तिबिलिसी में हैं और हमारी मॉर्निंग यहाँ से हो रही है। और व्यू देखो आप, मेरे पीछे जो व्यू है ओल्ड सिटी का, इट इज़ एन अमेजिंग व्यू। हम लोग जहाँ रुके हैं, ये होटल का नाम है होटल अलवा बारी, बिट डिफ़िकल्ट है उसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन बहुत मस्त होटल है। इट्स अ होटल अपार्टमेंट। आज की हमारी डेस्टिनेशन है गुदौरी। हम लोग कुत्तेसी से तिबिलिसी आए और आज का स्टे हमने यहाँ ये होटल में किया। यहाँ से अभी हम लोग गुदौरी जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो बीच में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सारे देखते देखते जाना है। तो आज के बाद हम लोग 2 nights and 3 days हम गुदौरी रुकने वाले हैं। एंड अभी फ़िलहाल मैं ये व्यू एंजॉय कर रही हूँ, और मेरे पीछे आपको ये देखिएगा किचन टेरेस है ये वाला। यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैसा है, ये बालकनी भी है और आप चाहो तो ये टेरेस भी एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे रूम के जस्ट बगल में है ये टेरेस। तो बस मिलते हैं हम आपको आगे, एंड होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय वीडियो। इफ़ यू आर एंजॉयिंग देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम आए जिनवाली लेक। तो तिबिलिसी से वो थोड़ा दूर है, इट्स अराउंड 40-45 मिनट्स, और ये लेक अपने स्टनिंग ब्यूटी के लिए जाना जाता है। जब हम यहाँ आए तो पानी का कलर एकदम टर्कोइज ब्लू था, जो लिटरली एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। सराउंडिंग माउंटेन्स की ग्रीनरी और पीसफुल वाइब्स में हमें बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्ट कर पाए। ये लेक मैन मेड है और 1980s में बनाया गया था, और ये एक डैम का भी पार्ट है। जो लोग नेचर और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए ये जगह एक परफेक्ट स्पॉट है। हमने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ फोटोग्राफी करवाई, और हाँ, यहाँ पे एक लोकल मार्केट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो एक अच्छी जगह है, मस्ट विजिट ऑन द वे टू गुदौरी। हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी अनानोरी फोर्ट्रेस, जो अपनी रिच हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। ये फोर्ट्रेस जॉर्जिया के एक पुराने किंगडम का पार्ट था, और ये प्लेस अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये जिनवली लेक के ऊपर एक हिल टॉप पर बना हुआ है। ये जगह पहचानी जाती है अपने एंशियंट चर्चिस के लिए। हमने यहाँ के एक ब्यूटिफुल चर्च देखा।
हमने यहाँ एक ब्यूटीफुल चर्च देखा जिसका आर्किटेक्चर काफी यूनिक था। उनका डिजाइन और उनकी वॉल्स पे जो कार्विंग्स थी वो पुरानी जॉर्जियन आर्ट को दिखाती है। अनानोरी फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करते हुए हमने हिस्ट्री के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जाने, जैसे कि ये फोर्ट्रेस कैसे डिफेंड करता था और ये एरिया कैसे एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्पॉट था। ये जगह सिर्फ हिस्ट्रिकल नहीं बल्कि सीनिक भी है। यहाँ से जो व्यूज मिलते हैं वो काफी ब्रेथ टेकिंग होते हैं। I'm ready to fight. Are you? तो यहाँ पे अपर एंड लोअर फोर्ट ऐसे दो है। हम लोग अभी लोअर फोर्ट पे जाके आए। नाउ वी आर हेडिंग टू अपर पार्ट। तो यहाँ से मस्त व्यू दिख रहा है आपको, मैं दिखाती हूँ। हम लोग अभी फोर्ट के टॉप पे आए हैं एंड थोड़ा रिस्की है जो स्टेप्स है, थोड़ा संभाल के आना पड़ेगा तो, बट इट्स वर्थ। हम लोग ने आके जो व्यू देखा है, छोटा सा विंडो है यहाँ से आपको व्यू दिखेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। और चढ़ना तो इजी है, उतरना इज अ टास्क। बहुत ही नैरो स्टेयर्स है तो उतरना इज रिस्की। अभी हम लोग नीचे उतरेंगे। और इट्स अ वन वे तो आते भी है लोग, नीचे भी जाते हैं, तो फिर थोड़ा संभाल के, क्योंकि सारे स्टेयर्स थोड़े पुराने हैं, डिस्ट्रॉयड है। तो मैं आपको ये यहाँ की सीढ़ी दिखाती हूँ, वो कितनी नैरो है, चलो दिखाती हूँ, फिर थोड़ा ज्ञान देती हूँ मैं। ये देखो, तो इसका रीज़न क्या है कि इतना नैरो क्यों होता है यहाँ फोर्ट की जो स्टेयर्स होती है, ताकि जब हमला हो, अटैक हो, तो एक से ज़्यादा लोग ऊपर आके अटैक ना कर सके। इसके लिए फोर्ट की सीढ़ियाँ नैरो होती है और अभी हम लोग उससे नीचे जा रहे हैं। लेट्स गो नेक्स्ट प्लेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जॉर्जिया ट्रिप की मोस्ट सीनिक गुदोरी रोड ट्रिप। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और हमें सीनिक व्यूज मिल रहे थे, वो एकदम सरियल थे। हमारे राइट साइड पे स्नोई माउंटेन्स वैलीज और लेफ्ट साइड पे खूबसूरत रिवर्स का व्यू देखते हुए पूरा जर्नी का मजा आ गया। कार राइड के दौरान हर टर्न पे एक नया सीनिक व्यू का सरप्राइज मिल रहा था, जो पूरा ट्रिप को एक एडवेंचर बना रहा था। हर जगह की ब्यूटी को हम एंजॉय कर रहे थे और साथ में ये ब्यूटीफुल मेमोरीज भी बन रही थी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रशिया जॉर्जिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट एक सिंबॉलिक प्लेस है जो रशियन और जॉर्जियन दोस्ती को सेलिब्रेट करता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस मॉन्यूमेंट के पास से हमें जो पैरानोमिक व्यूज दिखते हैं वो सिंपली जॉ ड्रॉपिंग थे। वहां से हमने स्नोई माउंटेन्स, डीप वैलीज और क्लियर ब्लू स्काइज का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखा। हम लोग अभी रशिया जॉर्जिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट है, उधर है गोदोरी, ऑलरेडी हम पहुंच गए। ये मॉन्यूमेंट तिबली से अराउंड 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और इट्स लोकेटेड इन कॉकेशस माउंटेंस। एंड ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो सोवियत यूनियन ने बिल्ड किया था टू सेलिब्रेट 200 इयर्स ऑफ ट्रीटी
जॉर्जियंस साइंड इन 1783 और 1983 में इसको बिल्ड किया गया है। और इसका आप देख सकते हो दे हैव सोवियत स्टाइल मोज़ेक जो कि जॉर्जियन मिलिट्री हीरोज एंड फार्मर्स सम फेरी टेल्स एंड कम्युनिस्ट सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। एंड इट्स नॉट ड्रॉ एक्चुअली इट्स डिसिप्ट किए हैं। सो एक अच्छी जगह है ये गुदौरी में। अभी हम लोग मस्त स्नो एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली सी द स्नो इज़ सो फ्रेश एंड लकीली वी हैव अ गुड वेदर। आज ना कि यहाँ पे स्नो है ना बारिश है, तो वी आर गोइंग टू एंजॉय गुदौरी। मेरे पीछे आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ जॉर्जियन मिलिट्री हाईवे विच कनेक्ट्स टू रशिया। तो यहाँ पे ये बिल्ड किया गया है। दिस इज रियली वर्थ विजिट। अमेजिंग व्यूज यू आर गोना हैव, इट्स अमेजिंग। So this is our hotel room. This is where we are staying. And छोटा रूम है, बट यहाँ पे गुदौरी में होटल्स ऐसे ही है मोस्टली। और हमारी बालकनी है बाहर। अभी टाइम हो गया है इवनिंग, तो वैसे भी कुछ व्यू नहीं दिखाएगा, तो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। Still let me check if I can show you something. ओके, सो कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो सुबह मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, मॉर्निंग व्यू। एंड अभी हमारा दिन यहाँ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई सी यू टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबडी फ्रॉम गुदौरी। आज हमारी मॉर्निंग है गुदौरी में, और मेरा जो होटल है उसका बालकनी और उसके पीछे ये व्यू आप देख सकते हो। टेम्परेचर अभी यहाँ का आज सुबह थोड़ा कम है, कल जब हम रात को आए थे तो माइनस फोर्टीन जब आए थे तब था, और रात को -20 चला गया था। अभी सुबह सुबह इट्स अराउंड -8। और हम लोग अभी जा रहे हैं स्की रिसोर्ट पे, जहाँ पे गंडोला जो कि कार लिफ्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे हम जाएंगे। और सारे वाटर एक्टिविटीज़ है, स्नो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि मोबाइल कार्टिंग और गंडोला है। फिर हम देखेंगे अगर स्की कर पाए तो, बट फिलहाल तो हमारी मॉर्निंग हो रही है पहाड़ों वाली, और वो भी बर्फीले पहाड़ों वाली। एंड अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा डे एक्सकर्शन स्टार्ट करेंगे। आज हमने थोड़ा लाइट डे रखा है, फ्री डे काइंड ऑफ, तो इसमें हम पूरा स्नो एंजॉय करने वाले हैं। एंड बस चलो फिर मिलते हैं हम आपको आगे। तो यहाँ पे ना किचन ऐसे है, सेल्फ सर्विस है, सब रख लेंगे आपके सामने, लेकिन आपको जो खाना है वो खा सकते हो। अभी स्टिल ये थोड़ा फ्रूट्स वेजीज और वही है, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करके फिर हम बाहर जाते हैं, तब हम दोपहर को लंच ऐसा कुछ बाहर करेंगे, क्योंकि अभी इतना भूख लगा है और थोड़ा चल के जाना है जो हमारी रेस्टोरेंट है ना सामने। तो अभी फ़िलहाल हम ये नाश्ता करते हैं एंड
वो बाद में करेंगे, बट एक होमली फीलिंग आती है यहाँ पे ये रिसोर्ट में। अपने घरों में कैसा होता है, ऐसे किचन है और सारा सामान है, आपको जो चाहिए उसमें से आप ले सकते हो। थोड़ा भी चलो सांस फूल जाती है इधर। लकीली आज वेदर बहुत ही सटल है, सन है देखो पीछे, एंड ये हमारा रिसोर्ट है, आपको दिखेगा ये साइन बोर्ड है तसरवानी, और ये वाला। तो हमें ऐसे नीचे जाना पड़ता है यहाँ से, और इतना रोज़ चढ़ना पड़ता है, थोड़ा ट्रैक हो जाता है, एंड अमेजिंग व्यूज़ वी आर हैविंग। तो हमारा जो होटल है ना, वहाँ से ये जो स्की रिसोर्ट है ना, इट्स जस्ट 10-15 मिनट्स वॉक। तो हम वैसे कार में भी जा सकते हैं, बट अभी क्या है कि ठंड है ना, तो थोड़ा चलते रहना चाहिए तो हम अंदर से वार्म हो। हमारा ड्राइवर जो है उसने हमें बोला है कि अगर आपको जाना है तो मुझे कॉल करो, मैं आ जाऊँगा। लेकिन हम सोच रहे ऐसे चलते चलते जाए, थोड़ा फोटोग्राफी हो जाए, थोड़ा शूट कर पाऊँ मैं। गाड़ी में सब नहीं होता है तो हम लोग चल के जाते हैं। मैं अभी आपको मिलती हूँ ऊपर स्की रिजॉर्ट में, और हम एक्टिविटी करते हैं। चलते चलते हमें एक स्की रेंटल दिखा, मेरे पीछे है जस्ट हमारे होटल के अराउंड 200 मीटर से ये एक स्की रेंटल है। हम लोग आगे से लेंगे क्योंकि ये पहन के और ये सब कैरी करके कहाँ चढ़े ऊपर। बट यहाँ पे 200 लारी 300 लारी ऐसा प्राइस है, नेगोशिएट करके आप 150 तक ला सकते हो। तो ये है, अभी हम जाएंगे ऊपर। ये देखो सब जा रहे हैं। अभी यहाँ से लेंगे ना तो ऐसे पहन के जाना पड़ेगा ऊपर तक। चलो फिर भी हम प्राइस पूछते हैं यहाँ कितने का है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग इधर से ले रहे हैं तो शायद ये सस्ता होगा, ऊपर महंगा होगा। तो लेट्स चेक द प्राइस। यहाँ पे कैसा है, उन्होंने बताया कि पूरा सेट नहीं है, अगर आपको बूट्स और स्की का जो स्टिक है और शूज़ स्की शूज़ वो सब आपको 40 लारी में मिलेगा, और अगर आपको जैकेट और पैंट्स चाहिए तो वो 20-20 लारी है। सो लेट्स से इट्स अप्रॉक्स 80-100 लारी। तो यहाँ पे मुझे सस्ता लग रहा है, हमें देखते हैं ऊपर जाते हैं। लेकिन हमें पहले ना ये करना है केबल का, क्योंकि अभी ये सब हमें कैरी करके नहीं जाना है। अगर हम करेंगे तो बाद में करेंगे, अभी कल भी हमारे पास टाइम है तो शायद कल करेंगे अगर हम यहाँ से लेते, क्योंकि ये मुझे सस्ता लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरी शॉप है जो कि स्की रेंटल, आप जैसे ही न्यू गुदौरी जाओगे तो उस पर रास्ते में ही आएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने पूरा सूट और पूरा ग्लास और हेलमेट, स्की बूट्स, स्टिक्स, एवरीथिंग दे विल गिव अस फॉर 100 लारी। वो डिस्काउंट नहीं दे रहे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 150 है, और आप इंडिविजुअल सब लोगे तो एक का प्राइस 20 है, किसी का 10 है, किसी का 40 है, 50 है, तो बोलते हैं आप पूरा पैकेज ही ले लो। तो अभी हम लोग क्या करें, हम सोच रहे हैं कि हम है ना ये स्की कल करेंगे, क्योंकि कल भी हमारे पास टाइम है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है मैं आपको देना चाह रही हूँ कि दिस शॉप इज़ गुड, नॉट मच क्राउडेड लाइक द प्रीवियस वन, एंड अच्छा बंदा है ये, इज़ वेरी काइंड। तो उसका शॉप ऐसा है, और यहाँ पे सारे जैकेट्स वगैरह है ये।
सो दिस इज़ द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, न्यू गुदौरी. हमारी होटल से जस्ट 5-10 minutes दूर है वॉकिंग. कार में तो 3-4 minutes में आप इधर आ जाओगे. तो इसलिए हमने इधर रुके क्योंकि यहाँ पे थोड़े प्राइस ज़्यादा है, प्लस दिसंबर का टाइम था तो इधर इजीली होटल्स और अपार्टमेंट्स नहीं मिलते. यहाँ पे मोस्टली होटल अपार्टमेंट्स है एंड इट्स अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया. सारे न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है, आप देख सकते हो. बट ये एरिया थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा महंगा है और आपको ऑफ सीज़न में तो ईजिली मिल जाएगा अच्छे प्राइस में, लेकिन दिसंबर ऐसा हो तो आपको एडवांस में बुक करना पड़ेगा. दिस प्लेस इज सो लाइव. यहाँ पे आपको ऐसे कैफेज, रेस्टोरेंट, स्की रेंटल्स, बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे लोग. ऐसा ही लगेगा कि स्नो में मेला लगा है. इतने सारे लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं. अभी दिसंबर का टाइम है तो एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर हॉलीडेज. और अभी हमने वो गुदौरी का साइन था वहाँ पे थोड़े फोटो क्लिक्स किए. और हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे ना 2 types की केबल कार है, एक कैबिन वाली क्लोज एंड एक ओपन. तो हम लोग ओपन वाले में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वही तो मज़ा है ओपन में बैठने का, तो हम वो करेंगे. ठीक है, चलो. मस्त एक्सपीरियंस है ये केबल कार. ऐसे ओपन में बैठो तो आपको ये जो ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना, बहुत मज़ा आएगा. और ये देखो, मतलब आपको चलती केबल कार में बैठना है. वो देखो लेफ्ट साइड पे जो है ना वो क्लोज है, बीच में ये बंद हो गया, पता नहीं क्यों. देखो स्टॉप हो गया है. हमारा स्टेशन आ गया. मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला दूसरा है, वो वाला लास्ट है. वो वाला हमें करना था, बट इट्स ओके, ये भी अच्छा है. गंडोला लिफ्ट से जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स और ठंडी हवा ने हमें रिफ्रेश कर दिया. अब देख सकते हो हम कितना खेले हैं स्नो में. और स्नो में जाते ही हर कोई बच्चा बन जाता है, हम भी बन गए, स्नोमैन भी बनाया और पूरे माउंटेन्स की ब्यूटी में खो गए. हमारे सराउंडिंग हमने जब देखा तो लोग स्कीइंग कर रहे थे, कुछ बिगिनर्स अपने इंस्ट्रक्टर से गाइड ले रहे थे, कुछ एक्सपर्ट स्कीयर्स अपनी अमेजिंग स्किल्स दिखाने में बिजी थे. स्कीइंग का स्कीन तो काफ़ी फन था और देखकर लग रहा था कि सब एंजॉय कर रहे हैं. So we are going down now. When it stops, people are screaming, see? Woo!
Are we going to die? Oh my God! It's stuck. हम लोग का बीच में अभी ये गंडोला कार अटक गया, तो मुझे एक मूवी याद आ गया, मुझे उसका नाम नहीं याद, पर वो मूवी में कैसा था कि वो लोग फ्रेंड्स सब लोग गंडोला कार में आते हैं, बैठते हैं और वो बीच में अटक जाता है, इंस्ट्रक्टर बंद कर देता है, कुछ ऐसा कुछ है उसमें। तो वो लोग 3 दिन तक, फिर वीकेंड आ जाता है, तो 3 दिन तक छुट्टियाँ थी क्रिसमस की, तो उसकी वजह से वो लोग अटक जाते हैं और उन लोगों को फिर बर्फ़ में सर्वाइव करना पड़ता है। तो वो वाली फीलिंग है अभी, बट लकीली हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे, एंड अभी हम लोग मोबाइल कटिंग करेंगे। मज़ा आ गया, हमने ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, स्नो में थोड़ा खेला, एकदम फ्रेश स्नो है ऊपर, एंड स्की हमें करना चाहिए ऐसा हमें लग रहा है, बट यू नो इट्स समथिंग दैट वी डोंट नो हाउ टू डू, सो वो थोड़ा अंदर से रहता है ना, डर लगता है, बट लेट्स सी टुमारो मे बी विल डू दिस, बट बहुत मज़ा आ रहा है। मस्ट विजिट दिस प्लेस, गुदौरी, न्यू गुदौरी स्की रिजॉर्ट। गुदौरी स्की रिसोर्ट के स्नोई माउंटेन्स में हमने मोबाइल कार्टिंग का इतना मज़ा लिया, इमेजिन करो स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच में कार्टिंग करना, और वो भी इतनी स्पीड में, एकदम एडवेंचर का फीलिंग आ गया। हम थोड़ी स्पीड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रैक पे इतना सारा स्नो था तो थोड़ा कंट्रोल करना ट्रिकी हो गया था, पर ये एक्सपीरियंस हमारे लिए डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल रहा। अगर आप भी हमारी तरह फर्स्ट टाइम कार्टिंग कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंस्ट्रक्टर के साथ ये कार्टिंग करो, क्योंकि तो ही आप दूर तक जा पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा स्नो रहता है तो इट्स बिट ट्रिकी टू राइड दिस कार्ट, तो अगर इंस्ट्रक्टर आपके साथ रहेंगे तो आपके लिए कम्फर्टेबल हो जाएगी ये राइड। और हम लोगों ने पे किया था 250 फॉर 2 पर्सन, तो उसके साथ हमारे साथ 2 इंस्ट्रक्टर भी आए थे। और मैं सोच रही थी पार्टी करनी है, तो मैंने अपने हैप्पी फिट को थोड़ा फ्री छोड़ा और स्नो डांस शुरू कर दिया। ऑनेस्टली जब स्नो के बीच में डांस कर रहे हो तो फील ही अलग होता है। अब बात करते हैं एक अमेजिंग ड्रिंक के बारे में। हाँ, वो है गर्मा गर्म वाइन जो सीनेमन के साथ सर्व किया जाता है। अगर आप गुदौरी जाओ तो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल परफेक्ट थी ये हॉट वाइन ये कोल्ड वेदर के लिए। ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट वे टू स्टे वार्म इन द कोल्ड स्नो। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा खाना खाया है यहाँ पे।
यहाँ पे हवेली करके ये रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। तो आप जब भी इधर आओ भदौरी में, अगर इंडियन खाना चाहिए तो अच्छा टेस्ट है यहाँ का। मतलब यहाँ पहाड़ में इंडियन खाना मिलना इट्स टफ राइट, फिर भी यहाँ पे अच्छा टेस्टी है। ये हमारी जो होटल है ना तसरबानी, उसके एग्जिट सामने है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अभी हमारा आज का दिन इधर ही एंड में करती हूँ, बहुत लंबा हो गया आज का ब्लॉग। कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट एंड आई सी यू टुमारो। लास्ट डे ऑफ 2023।